हम लोग का डेरा बंद कर दिया गया है, कि प्रशासन के तौर से नहीं बंद किया गया, इन लोग ने खुद बंद रखा है। और ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी पैसा मांगते हैं, कभी कुछ करते ही रहते हैं। जब हम लोग जाते हैं कभी 50 उठते हैं, कभी 10 उठते हैं, कभी कुछ कभी। क्या क्या आप लोग का कारोबार है? हम लोग नाच गाना का प्रोग्राम करते हैं। तो हम लोग के पास प्रूफ भी है सर। तो इन लोग का आरोप है कि जो आप लोग देह व्यापार से जुड़े हैं। जी, इन लोग का आरोप ये है। तो क्या कहना है आपका इस पर? मेरा यही कहना है कि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो मेरी एक ये बच्ची है, ये बच्चा है, अगर नहीं नाच गाना करेंगे तो मैं इसको पढ़ाऊंगी कहाँ से? इसको तो मैं अपने जैसा बना नहीं। ये बोलने का इन लोग का मतलब है कि आप लोग देह व्यापार से जुड़े हुए हैं। इन लोग का बोलने का मतलब ये है सर कि हम लोग देह व्यापार से जुड़े हुए हैं और हम लोग को इस गली में नहीं रहना, और इसमें से कुछ इंसान अलग गली से, और हम लोग सिर्फ प्रोग्राम वगैरह करते हैं और अपने बच्चों को इसी से पोसते पालते हैं। तो इन लोग का जो कहना है वो सही है कि देह व्यापार से जुड़े हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। बगल में थाना है, हम लोग के पास लाइसेंस है, हम लोग बगैर लाइसेंस के कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास कल प्रोग्राम करके आइए, वीडियो भी उसका साथ में सब कुछ है, ऐसा नहीं है। तो क्या लग रहा है कि आप लोग पुश्ता ही नहीं यहाँ पर? जी, खानदानी से यहाँ पर यहाँ पर दो मकान है, एक अरुण जायसवाल का और दूसरा है एक मन की जो जमीन है, मकान है जिसमें वो है, क्या कहते हैं, अरुण जायसवाल का मकान है। दोनों मकान में देसिया बिल्डिंग का जिस पड़ोसी का धंधा चलता है, इस वजह का 17 तारीख को पूर्व में भी थाना को इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन दे दिया गया था, 20 तारीख को सिविल SDO आरक्षी अधीक्षक महोदय दोनों को एप्लीकेशन दे दिया, दरखास्त दिया हुआ है, इन्फॉर्म किया गया हुआ है। मजदूरन आकर के हम लोग को ताला लगाना पड़ा, चलने फिरने में किसी बहु बेटी को बहुत परेशानी होती है, और दूसरे घर में जो ग्राहक है या दूसरे घर में खटखटाता है, तो परेशानी होती है, और परेशानी और रास्ता तंगी है, गरीब वो तंगी है, उसी में मुख द्वार है आने जाने, इस वजह का काफी परेशानी का सामना मोहल्ला वासियों को करना पड़ रहा है, जिससे काफी दुख दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए उसको ताला लगा दिया गया है। मकान मालिक से हमने आवेदन दिए हैं कि मकान मालिक अपने मकान में वेश्यावृत्ति का कब्जा करवाते हैं, इसलिए इसको इसको बंद किया जाए, क्योंकि जो भी मकान के किराया में या किराया है या स्वयं माह में है, तो हम व्यक्ति का काम हम नहीं चला सकते हैं, हम वेश्यावृत्ति का काम नहीं चला सकते। ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम अपने मकान में को रेंटर को रख करके वहाँ पर जिस पड़ोसी का धंधा करवावे, ऐसा कोई कानून नहीं। इसलिए हम लोग आवेदन सिविल SDO और DSP थाना मुख्यालय 17 तारीख को दिया है और 20 तारीख को दोनों आदमी को दिया, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है आप ताला लगाए रखिए, कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे, आश्वासन उन्होंने दिया है, 24 घंटा और टाइम दिया है उन्होंने कि हम क्या कर नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अफुल्ला, वार्ड नंबर क्या है? कौन मोहल्ला के?